अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं स्पीच और हेयरिंग इश्यूज़ के साथ। कुछ बातें ऐसी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मदर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, बच्चों की स्पीच एंड हेयरिंग रिस्पॉन्स प्रॉपरली डिवेलप करने के लिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब बच्चे आफ्टर बर्थ जो है वो बच्चा किस एज में किसी भी साउंड पे या वॉइस पे रिस्पॉन्स करता है। नॉर्मली आपने देखा है जब बच्चा आफ्टर बर्थ बच्चे के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, उसे बात करते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे स्माइल पास करते हैं, तो बच्चा आपकी तरफ देखता है। वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे जैसे शो करना शुरू कर देता है, आई कॉन्टेक्ट करता है, स्माइल पास करता है, तो ये उसका रिस्पॉन्स होता है कि वो आपकी आवाज़ सुन रहा है और उस पर रिस्पॉन्स शो कर रहा है। जो नॉर्मली 6 मंथ्स में बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो प्रॉपरली किसी भी साउंड और वॉइस पे रिस्पॉन्स करते हैं, प्रॉपरली अपनी गर्दन को घुमा कर, अपने सर को घुमा कर और टर्न करके वो जो 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 साउंड की सोर्स है जहाँ से आवाज़ आ रही है उस तरफ मुँह टर्न करके, अपना फेस टर्न करके वो देखते हैं और रिस्पॉन्स शो करते हैं उस साउंड पे या उस वॉइस पे। या फिर जो पर्सन बात कर रहा होता है वो अपना फेस टर्न करके उस पर्सन को देख सकते हैं, उस इस काबिल हो जाते हैं कि वो उसको देख सकें। और अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा टिल द एज ऑफ 6 मंथ्स, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप इसको जितना अर्ली इन चीज़ों को नोटिस करें उतना ही बेटर होता है। अर्ली इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो आपको हेल्पफुल जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, लाइक हेयरिंग को चेक कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम उसकी हेयरिंग को चेक करेंगे कि बच्चे की हेयरिंग प्रॉपरली इंटैक्ट है या नहीं है। अगर बच्चा टिल द एज ऑफ 6 मंथ्स वो रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा, जैसे मैंने आपको बताया है, किसी भी साउंड पे या वॉइस पे, तो आपको फौरन उसको किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना चाहिए जो उसकी हेयरिंग को टेस्ट करेगा। अगर पीडियाट्रिशियन के पास भी बच्चा जो है वो हेयरिंग रिस्पॉन्स शो नहीं करता, टेस्ट पे रिस्पॉन्स शो नहीं करता, तो हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए जो हेयरिंग और ईयर के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको ऑडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रॉपरली जो है उनके पास टूल्स होते हैं और वो ऑथेंटिक वेज होते हैं, वो प्रॉपरली आपके बच्चे की हेयरिंग को टेस्ट करेंगे। अगर बच्चा जो है हेयरिंग टेस्ट पे रिस्पॉन्स करने के काबिल नहीं है, तो वो एक मेथड होता है नॉन इन्वेसिव मेथड। उसमें क्या होता है कि जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो स्टिकर्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोड स्टिकर्स बोलते हैं, वो बच्चे की स्किन के साथ अटैच कर देते हैं, जिससे हम बच्चे की जो ब्रेन स्टैम्प है उसका रिएक्शन वो नोट करते हैं। लाइक जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है या कोई वॉइस प्रोड्यूस होती है, उस पर आपका जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्स शो करता है, तो आप एक्ट करते हो। तो इस ये स्टिकर्स जो हैं ये हमें बच्चे की ब्रेन स्टैम्प जो है उसका रिस्पॉन्स नोट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे की जो है और जो हेयरिंग है वो इंटैक्ट है या नहीं है। इंटैक्ट मीन के बच्चे की हेयरिंग प्रॉपर है, वो सुन सकता है या वो नहीं सुन सकता। अगर बच्चे की हेयरिंग इंटैक्ट है और टेस्ट उसके पॉजिटिव आए हैं, तो आपको ऑडियोलॉजिस्ट उसके सारे जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोड स्टिकर्स होते हैं ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते, ये नॉर्मल स्टिकर्स की तरह होते हैं, ये पेनफुल नहीं होते। ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जो आपकी हेयरिंग रिस्पॉन्स को नोट, ब्रेन की ब्रेन स्टेम की हेयरिंग रिस्पॉन्स को नोट करता है।
सबसे पहले हमें ये क्लियर करना ज़रूरी होता है कि बच्चे की हेयरिंग इंटैक्ट है या नहीं है। अगर बच्चे की हेयरिंग इंटैक्ट है, बच्चा सुन सकता है, तो उसके बाद वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। फिर भी अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो इट्स मीन के यहाँ पे रिस्पॉन्स करने में बच्चे के हेयरिंग और रिस्पॉन्स के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें डील करना है। और बच्चे का प्रॉपरली हेयरिंग पे रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए डिफरेंट वेज हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इन वेज को हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं। और ये हमारे 3 टारगेट्स होते हैं। इन 3 टारगेट्स को जब तक हम वन बाय वन हमने इसको यूज़ तो करना है, जो कि मैं आपके साथ फर्दर वीडियो में शेयर करूँगी। और हर टारगेट में ऑलमोस्ट बच्चे को 80% तक अचीव करना ज़रूरी है। अगर वो 80% तक अचीव कर लेता है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट पे मूव करेंगे।